हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 9th स्प्रिंट बैच का लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 10 में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये फिनिश करने के बाद में हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने लेक्चर नंबर 10 से पहले के सभी लेक्चर्स को नहीं देखा है तो पहले उन लेक्चर्स को जाके देखिए, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा और उसके बाद में इस लेक्चर को देखना स्टार्ट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो एजेंडा है वो दो टॉपिक्स हमें कवर करने, एक तो है कि इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरा है रियल नंबर्स क्या होते हैं और रियल नंबर्स के साथ उनकी हम प्रॉपर्टीज को भी पढ़ेंगे। तो देखो, हम इसको स्टार्ट करते ही देखते हैं कि भाई एक्चुअल में हमें करना क्या है। देखो, जैसे कि यहाँ पे रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, इस टाइप के नंबर्स दिए हुए, ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं इसके लिए मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। मैं यहाँ भी थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। अगर इस साइन के नीचे, इस साइन को बोला जाता है रेडिकल साइन, ठीक है, या रूट बोल सकते हो, तो रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर हो जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, 1, 4, 9, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। तो नॉन परफेक्ट क्या हो गए, बाकी के बच गए वो, कि जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। तो अगर स्क्वायर रूट में अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो वो नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो हमें इन इरेशनल नंबर्स को क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, देखो इरेशनल नंबर्स को अगर जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप वो जाके देख सकते हो कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसे लिखा जाता है इनका। तो डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँ, जो रूट टू है वो होता है 1.414 डैश 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 चलता रहता है। अगर मान लो कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ तक ही होता 1.4 तक, तो हम क्या करते, 1 और 2 के बीच में जो फोर्थ, मतलब टोटल 10 पार्ट्स कर देते और 10 पार्ट्स करने के बाद जो फोर्थ वाला पार्ट होता वो इस तरीके से हम कर सकते थे। जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ कहीं 0 होगा इधर, ठीक है, फिर इसके बीच में हमने क्या कर दिए, 10 पार्ट्स कर दिए। और इसमें से देखो ये 1, ये 1.1 होगा, ये 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, ऐसे ये 1.10 यानी कि 2 बन जाएगा फिर। तो हमारे को क्या करना था, 1.4 रिप्रेजेंट करना था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि ये डेसिमल के आगे तक भी जा रहा है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। ये हमारी नंबर लाइन यहाँ पे क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है, मतलब हम नंबर लाइन पे ऐसे नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही जो रूट थ्री होता है ये होता है 1.732 डैश 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 चलता रहेगा, ये भी कभी नहीं रुकेगा, तो इनको कैसे रिप्रेजेंट करें। तो ये सारी चीज़ें हमारे को एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा नया, उसकी हेल्प से क्या करना पड़ेगा, इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो देखो, इनको हमारा क्वेश्चन यही है कि इन तीनों को हमारे को क्या करना, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। इसको समझने से पहले हम दो बेसिक टर्म्स हैं उनको समझते हैं, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से हम क्या करेंगे, जैसे कि रूट टू को मैं यहाँ पे आप लोगों को रिप्रेजेंट करके बताऊंगा और नेक्स्ट स्लाइड पे हम रूट थ्री और रूट फोर, रूट फाइव को भी क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो इन दोनों टर्म्स को हम पहले डिफाइन कर लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि इनका यूज यहाँ होने वाला है। तो देखो क्या है, आर्क क्या होता है। तो आर्क को ऐसे समझ सकते हो जैसे आप लोगों ने सर्कल कभी बनाया होगा कंपास की हेल्प से। यहाँ क्या करते थे, जो कंपास की निब होती थी उसको एक जगह रखते थे, पेंसिल की निब को क्या करते थे, रोटेट करते थे। तो यहाँ क्या होता था, इस तरीके का पार्ट बन जाता था, ये सेंटर कहलाता था, जहाँ कंपास की निब रखी हुई होती थी, जहाँ पेंसिल का पाथ होता था वो क्या होता था, हमारा सर्कल। तो ये सेंटर है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये पूरा सर्कल मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रोटेट करके ये पूरा रोटेशन किया तो क्या बना, एक सर्कल बन गया। और अगर मैं इसका पूरा रोटेशन ना करूँ, केवल थोड़ा सा रोटेट कर दूँ, जैसे यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ही लेके जाता मैं, तो ये वाला जो पार्ट बना है ना, ये वाला पार्ट, इसी पार्ट को क्या बोला जाता है, आर्क। तो आर्क एक्चुअल में क्या होता है, सर्कल की जो सर्कमफेरेंस होती है, ये जो बाउंड्री है इसको सर्कमफेरेंस बोला जाता है। इसका कोई छोटा सा पार्ट उठा लो, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, आर्क। एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ क्या है, देखो जब मैं इसको ऐसे कंपास को रख के क्या बना रहा था मैं, जैसे यहाँ आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊँ, यहाँ कंपास की निब रहेगी, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे रख के एक सर्कल का आर्क बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो
अब यहाँ नोटिस क्या करना है, जब मैं यहाँ पे था, जब मैं यहाँ आया या कहीं भी आया, ये जो डिस्टेंस है ना इस आर, इसकी जैसे यहाँ से डिस्टेंस जैसे आर मान लो, तो इधर से भी डिस्टेंस कितनी होगी, आर होगी। इधर से भी डिस्टेंस कितनी होगी, आर होगी, क्योंकि हमने कंपास को क्या किया, उसको घुमाया थोड़ी ना, इसको पूरा ऐसे रोटेट किया है। तो देखो जितनी डिस्टेंस ये है उतनी की उतनी डिस्टेंस हमेशा रहेगी। तो यहाँ एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, जब भी आर्क बनाते हैं तो जैसे आर्क ये बनाया मैंने, तो ये वाली जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ये होगी। इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे यूज करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को आर्क का मीनिंग, बेसिक मीनिंग समझ में आ गया होगा। हमें बस इतना ही यूज करना है। आगे हम जब कभी ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, वहाँ पे और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो मैं क्या समझाना चाह रहा था कि जैसे ये आर्क बनाया और यहाँ इसका सेंटर है, ये आर्क को सेंटर मान के हमने क्या किया है, आर ई आएगा शायद। तो देखो तो यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। अगर ये डिस्टेंस आर है, आर वन मान लो, इसको आर टू मान लो, तो ये आर वन और आर टू दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। आर की ये कंडीशन होती है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है ये चीज भी यहाँ पे समझ लेते हैं, बाकी हम ट्रायंगल वाले चैप्टर में इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और अगली क्लास में जब आप आओगे टेंथ क्लास में, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री नाम से एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, उसमें तो पूरा पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा। तो अभी मैं केवल बेसिक मीनिंग समझा रहा हूँ जितना यहाँ पे यूज होगा। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि जैसे कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ऐसा कोई ट्राइंगल जिसका एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो। जैसे यहाँ पे ए क्या है, 90 डिग्री, और ये तीनों साइड्स बाकी की हो जाएगी। इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, जैसे ये 90 डिग्री है, मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे, जो सिंबल बनाया है ये किसका है, 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। इसके जो ऑपोजिट साइड होती है इसको बोला जाता है हाइपोटेनस। क्या बोला जाता है, हाइपोटेनस। इसको अभी नाम दे देता हूँ कुछ बी और सी, ठीक है। तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्राइंगल का सिंबल ये होता है, ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर एंगल ए कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। 90 के ऑपोजिट साइड यानी कि बी सी, ध्यान से सुनना। अब मैं इसका स्टेटमेंट समझा रहा हूँ, मैं बोल बस केवल बोल मतलब बोल रहा हूँ, लिखूंगा नहीं, मैं समझने की कोशिश करना कि 90 के ऑपोजिट साइड यानी कि बी सी का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड्स इस ट्राइंगल के अंदर, बाकी के साइड्स कौन सी बच गई, टू, ये एक तो ए बी बच गई और एक ए सी, रिमेनिंग टू साइड्स ए बी और ए सी के स्क्वायर्स का सम होता है। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें 90 है, 90 के सामने वाली साइड कौन सी है, बी सी है, बी सी का स्क्वायर, बाकी की दोनों साइड कौन सी है, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी का स्क्वायर करके यानी कि 90 के सामने वाली साइड का स्क्वायर बाकी की दोनों साइड्स को स्क्वायर करके एड कर दूंगे ना तो उसके बराबर आएगा। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, देखो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर ले लिया, यहाँ 4 सेंटीमीटर ले लिया, तो देखो इन दोनों का स्क्वायर करोगे और ये एक्चुअल में 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी मैंने केवल मान लिया है आप लोगों के लिए, एक्चुअल में होता 5 ही है ये, अभी आप लोगों को बस ध्यान रख रहा है क्या ये वाला रिलेशन यहाँ यूज हो रहा है क्या। देखो तो मैंने क्या बोला कि 90 के ऑपोजिट साइड का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, रिमेनिंग टू साइड्स यानी 4 और 3 दोनों के स्क्वायर के सम के, मतलब रिमेनिंग टू साइड्स का स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो 90 के ऑपोजिट साइड का स्क्वायर के बराबर आएगा। तो देखो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 प्लस 3 का 9 हो जाएगा, इधर भी 25 आ गया, इधर भी 25 आ गया। मतलब पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है, मैं एक बार वापस से समझाता हूँ कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड कोई सी भी होगी उसका स्क्वायर करो और बाकी की दो साइड्स बच गई उन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, दोनों का सम, उन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे उनका जो एडिशन आएगा, सम आएगा, वो क्या होगा, 90 के ऑपोजिट साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। आई होप आप लोगों को इसका स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। अब हमें इसको यूज कैसे करना है वो समझना, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारे को 1 दे रखा है, 1 यूनिट है, कोई भी यूनिट हो सकती है, सेंटीमीटर मीटर, ठीक है। और इधर भी कितना दे रखा है, 1, और यहाँ कितना है, 90 डिग्री, ठीक है।
अब हमें निकालना ये, तो हमें पता है इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाए तो इसका स्क्वायर बनता है, जैसे मैं इसको नाम भी दे देता हूँ ए बी सी। तो देखो हमारे को ए सी फाइंड करना है, तो हमें पता है बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाई यूजिंग पी टी शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, यहाँ कर रहा हूँ, तो ए सी का स्क्वायर बाकी की दोनों साइड ए बी और बी सी के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के इक्वल। अब देखो ए सी तो हमें फाइंड ही करना है, तो ऐसा ही चलेगा इसका स्क्वायर, ए बी कितना 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना 1, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 1 2 हो गया। अभी हमारे पास ए सी का स्क्वायर आया, लेकिन ए सी नहीं पता करना है हमारे को, तो भाई हमारे को तो ए सी पता करना है ना, ए सी का स्क्वायर थोड़ी ना पता करना। तो अब होगा क्या, अभी के लिए तो आप लोग केवल याद रख सकते हो, स्क्वायर को उस साइड लेके जाओगे तो स्क्वायर रूट हो जाता है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना होता है, एक तरफ प्लस और माइनस लिखना होता है, और उसके बाद में क्या करना होता है, माइनस को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये एक साइड आ रही है, साइड कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो इसलिए मैं केवल पॉजिटिव रिजल्ट लिख रहा हूँ। तो स्क्वायर उस साइड जाके स्क्वायर रूट बन गया, ए सी बराबर कितना आ गया, रूट टू आ गया। अब हमारे को ये चीज़ समझ में आ गई कि रूट टू एक्चुअल में कैसे निकलेगा। अब हमें रूट टू को क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अब ध्यान से समझना, आई होप आप लोगों को आर्क और पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब रूट टू को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं वो ध्यान से समझना। तो देखो मैं कोई नंबर लाइन बना देता हूँ, यहाँ यहाँ कहीं 0 है, यहाँ कहीं 1 है, यहाँ कहीं 2 है, यहाँ कहीं 3 है, ठीक है। इक्वल डिस्टेंसेस पे क्या करना है हमारे को, ध्यान रखना, पॉइंट्स मार्क कर देना, ठीक है। ये काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाता हूँ जिससे कि विजिबिलिटी अच्छी होगी, 1 और 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें तो रूट टू चाहिए, रूट टू को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। अब हमें इस जगह पे रूट टू रिप्रेजेंट करना है, वो हम कैसे करें, यहाँ प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम तो यहाँ भी आएगी, तो इस रूट टू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझना। मैं एक काम कर रहा हूँ, जितना ओ ए है ना, मतलब इसको नाम, ये 0 था, इसको ओ नाम दे देता हूँ और इस वाले पॉइंट को ए नाम दे देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ओ ए के बराबर लेंथ का एक और परपेंडिकुलर बनाऊँगा, कहाँ पे, ए पे। ध्यान से सुनना, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ समझाने के लिए, ओ ए के बराबर लेंथ का, ओ ए के इक्वल लेंथ का एक परपेंडिकुलर ए पर बनाओ। परपेंडिकुलर कैसे बनाते हैं, आप चाहो तो डायरेक्ट जो डी होता है उसकी हेल्प से भी बना सकते हो, प्रोट्रैक्टर की हेल्प से भी, या आप चाहो तो क्या कर सकते हो, कंपास की हेल्प से भी बना सकते हो। कंपास की हेल्प से कैसे बनेगा कि भाई यहाँ क्या करेंगे, एक आर्क बना देंगे बड़ा सा, फिर एक डॉट यहाँ, मतलब जो सेंटर है उसका जो आर्क बनाने के लिए, फिर बिना किसी कंपास, बिना कंपास को मॉडिफाई किए हमें क्या करना है कि जो कंपास की निब है उसको यहाँ रख के एक आर्क यहाँ बनाना, फिर यहाँ रख के एक आर्क यहाँ बनाना, फिर एक यहाँ रख के यहाँ बनाना आर्क, और यहाँ रख के यहाँ बनाना। तो इसको जब ज्वाइन कर देना है तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। लेकिन हमें तो कितनी लेंथ का परपेंडिकुलर बनाना था, ओ ये ओ ए लेंथ का बनाना था, मतलब जितना ये है उतना का उतना क्या करना पड़ेगा, इधर बनाना पड़ेगा। तो जैसे क्या करूँगा यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, वही कंपास को खोलेंगे, कितना इतना, और निब को यहाँ रख के एक आर्क यहाँ काट देंगे। तो जैसे मान लो कि ये आर्क कहाँ बना, कहीं इसको थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ मैं, जैसे यहाँ कहीं आर्क बन गया, ठीक है। ये ओ ए और ये इसको नाम दे देता हूँ कुछ ओ बी, मतलब ए बी हो गया। ये भी 1 यूनिट है, ये भी कितना है, 1 यूनिट है, क्योंकि हमने क्या किया है, जितनी लेंथ ये थी उतनी लेंथ का ये किया है। आप लोग डायरेक्ट क्या करना, एक काम करना, प्रोटेक्टर के हेल्प से, डी के हेल्प से बना लेना 90 डिग्री यहाँ पे सीधा सा, और 90 डिग्री बनाने के बाद जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ का यहाँ पे क्या कर देना, एक आर कट कर देना। आर कैसे कट करते हैं कि भाई निब को, जो कंपास के निब को यहाँ रखना है, और हमारे को क्या करना है, पेंसिल को ऐसे घुमा देना है, तो जो भी आएगा वो आर का गया। अब हमें तो रूट टू चाहिए, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, तो मैं इनको मिटा देता हूँ, हमें चाहिए रूट टू केवल। तो देखो मैंने यहाँ बना दिया है 1 यूनिट लेंथ का, इधर भी वो बना दिया एक परपेंडिकुलर, और इधर भी बना दिया, ये कितना है 90 डिग्री।
अब हमें चाहिए रूट टू, तो रूट टू कैसे निकालें, देखो अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो अगर हम ओ को क्या करें बी से ज्वाइन करें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, और राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो क्या होगा यहाँ पे, राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग सोचे तो भाई इसके सामने वाली साइड का स्क्वायर यानी ओ बी का स्क्वायर बराबर होगा रिमेनिंग टू साइड यानी ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर के बराबर होगा, यही तो होगा भाई, 90 डिग्री है यहाँ पे, 90 के ऑपोजिट साइड ओ बी, इसका स्क्वायर बराबर होगा ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब हमें ओ बी पता करना है तो देखो क्या होगा, ओ ए कितना है 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ओ बी स्क्वायर, ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, देखो 1 और 1 2 हो गया, स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, मतलब ये जो लेंथ एक्चुअल में आई है वो कितनी आई है, ओ बी बराबर रूट टू आया है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब हमें इससे क्या मतलब है, हमें तो इस लाइन पर रिप्रेजेंट करना है ना, तो अब क्या करोगे, हमें रूट टू लेंथ एक्चुअल में होती कितनी है वो हमने पता कर ली, इतनी होती है। अब इसकी जो लेंथ होगी वो फिक्स रूट टू के बराबर होगी। अब हम क्या करेंगे, ओ को सेंटर मानना है, कंपास को क्या करना है इतना खोलना है और इतना खोल के क्या करना है, एक आर्क बना देना है ऐसे, ध्यान से सुनना मैंने क्या किया, ये स्टेप करने के बाद में परपेंडिकुलर बना दिया, उसके बाद में क्या किया, ट्राइंगल ओ ए बी में पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, यह केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, बस आप लोगों को केवल यहाँ पे डायग्राम ही बनाना है, बाकी कुछ नहीं करना, की हेल्प से ओ बी बराबर रूट टू फाइंड किया, फाइंड करो, तो हमने ओ बी फाइंड कर दिया, वो कितना आया था रूट टू आया था। अब हम क्या करेंगे तीसरे स्टेप में, वो ध्यान से समझना भाई, रूट टू इतना होता है, अगर मैं कंपास को इतना खोल दूँ और कोई भी वो बनाऊँ मैं आर्क बनाऊँ, तो सारे के सारे जो, जो मतलब जो उसकी सेंटर से सभी आर्क के कोई भी पॉइंट उठा लो, उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होने वाली है, रूट टू होने वाली है। हमने यही तो सीखा है कि अगर हम इतनी लेंथ का आर्क बनाएं, कहीं पे भी आर्क बनाओ हमेशा कितना होगा इसका, ये वाला जैसे आर वन लेंथ का आर्क बनाया तो कहीं भी ले जाओ इसको हमेशा कितनी लेंथ बनेगी, ये वाली लेंथ आर वन ही होगी, तो ये लेंथ कितनी है आर टू है। तो हम क्या करेंगे, अब ओ को सेंटर मान के, सॉरी ये लेंथ कितनी है रूट टू है, तो हम ओ को सेंटर मान के एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो बी से तो जाएगा, क्योंकि ये लेंथ तो कितनी है रूट टू है, वो क्या करेगा इस वाली जो हमारी नंबर लाइन है उसको कहीं ना कहीं से कट करके जाएगा। अब मुझे बताओ, जैसे मान लो कि यहाँ से सी से कट करके जा रहे, तो जितना ओ बी है उतना का उतना ओ सी होगा क्या, देखो आर्क के कॉन्सेप्ट से भाई, आर्क से क्या होगा, सेंटर से आर्क के हर एक पॉइंट की डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है, ये पॉइंट लो ये पॉइंट लो ये पॉइंट लो ये पॉइंट लो, ये रहा सेंटर, यहाँ पे ये सेंटर का काम कर रहा है। अब ये आर्क बनाया हमने, तो आर्क के सेंटर से देखो इसकी डिस्टेंस, मतलब ये कितना है ओबी, तो यहाँ क्या होगा ओबी जितना होगा उतना का उतना क्या होगा ओसी, क्योंकि आर्क क्या होगा सेंटर से आर्क के कोई भी पॉइंट को उठा लो, तो जैसे ये वाला बी पॉइंट है ये भी इसके आर्क के ऊपर है, सी पॉइंट भी क्या है आर्क के ऊपर है, तो जैसे हम इसको उठाएंगे तो क्या होगा, जितना ओबी होगा उतना ही ओसी होगा, तो ओबी कितना है रूट टू है, तो ओसी भी कितना हो जाएगा रूट टू हो जाएगा। हमें नंबर लाइन पे ही तो रिप्रेजेंट करना था किसको, रूट टू को, तो जैसे ये लेंथ रूट टू है तो ये लेंथ भी कितनी होगी रूट टू होगी, तो हमने क्या कर दिया यहाँ रूट टू को रिप्रेजेंट कर दिया। ये आप एग्जैक्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं जो वन और टू के बीचों बीच यानी 1.5 से थोड़ा सा पहले आएगा 1.4 के और थोड़ा सा बाद में आएगा 1.4 के। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो थर्ड पॉइंट में क्या किया मैंने, ओ को सेंटर मानकर ओ बी बराबर रूट टू लेंथ का आर्क बनाया जो नंबर लाइन को सी पर इंटरसेक्ट करते हैं, सी पर, आई होप या शायद लगता है आप लोगों को दिखेगा नहीं तो मैं यहां लिख देता हूं, जो नंबर लाइन को सी पर कट करता है और फिर
ओ सी बराबर कितना हो गया, रूट टू हमारे को मिल गया। और ये जो सी वाला पॉइंट था वही क्या है हमारा, और ये पॉइंट सी है वही हमारा रूट टू होगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग रूट थ्री और रूट फाइव को भी नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। तो इसे आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो देखिए अब हम देखते हैं रूट थ्री को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रूट फाइव को कैसे करेंगे। आगे चाहो तो आप आगे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो देखो क्या होगा, रूट थ्री को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले वही हम बेसिक नंबर लाइन बना लेते हैं। यहाँ कहीं जीरो है, यहाँ कहीं वन है, यहाँ कहीं टू है। ठीक है, जीरो को मैं ओ मान लेता हूँ, वन को ए मान लेता हूँ। हमें क्या करना है, रूट थ्री को रिप्रेजेंट करना। तो सबसे पहले जैसे हमने रूट टू को किया तो रूट टू बना लेते हैं हम। तो यहाँ पे क्या होगा, एक 90 डिग्री पे हमने ओ ए के बराबर लेंथ का एक आर्क काट दिया, या उतनी लंबाई का एक परपेंडिकुलर बना दिया। जितनी लेंथ ये है ना उतनी लेंथ का यहाँ पे परपेंडिकुलर बना दिया। ठीक, तो यहाँ ये कितना है, वन लेंथ है, तो इसकी भी लेंथ वन हो गई, इसकी भी लेंथ कितनी हो गई, वन हो गई। ठीक है, अब जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे कौन से ट्राइंगल में, ओ ए बी में, तो ये जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, रूट टू निकल के आएगा। ये सब मैं लास्ट स्लाइड पे बता चुका हूँ आप लोगों को, ये चीज़ यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी। लेकिन हमें तो रूट थ्री चाहिए, रूट टू थोड़ी ना चाहिए। उसको ध्यान से समझो, जैसे अब यहाँ आप लोगों को क्या दिख रहा है, ओ दिख रहा है, बी दिख रहा है, और ये कितना दिख रहा है, रूट टू दिख रहा है। अगर मैं बी पे फिर से एक परपेंडिकुलर बनाऊं वन यूनिट लेंथ का, ध्यान से सुनना, कितनी लेंथ का, वन यूनिट का, रूट टू का नहीं, वन यूनिट का। इसको मैं नाम दे देता हूँ कुछ सी पॉइंट। अब ओ को क्या ज्वाइन करता हूँ मैं, सी से। तो अब देखो ओ सी निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो 90 के ऑपोजिट साइड बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल कौन सा है हमारा, ओ बी सी। क्या होगा, ओ सी का स्क्वायर बराबर होगा ओ बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। भाई 90 के ऑपोजिट साइड का स्क्वायर बाकी की दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो ओ बी कितना है, रूट टू उसका स्क्वायर प्लस ओ सी बी सी कितना है, वन, तो वन का स्क्वायर। रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, ओनली क्या आएगा, टू, और वन का स्क्वायर वन होता है, यानी ओ सी स्क्वायर कितना आ गया, आ गया। अब हमें तो ओ सी चाहिए, तो ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, टू प्लस वन थ्री हो गया, स्क्वायर रूट उधर जाके, मतलब स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। मतलब जो ओ सी वाली लेंथ आएगी वो एक्चुअल में कितनी आएगी, रूट थ्री आएगी। तो अब यहाँ क्या करेंगे, ये रूट टू बन चुका है, हम क्या करेंगे, यहाँ एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, कितनी लेंथ का, वन यूनिट लेंथ का, जितनी लेंथ ये थी वन यूनिट लेंथ का, यहाँ परपेंडिकुलर बना दिया। ओ को क्या किया, इसको सी नाम दे दिया, और ओ को सी से डिनोट ज्वाइन कर दिया। तो ये जो बनेगा वो बनेगा रूट थ्री। लेकिन हमें ये थोड़ी ना चाहिए, हमें तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करें, वो ये ओ सी को ओ सी के बराबर लेंथ, कंपास को ओपन कर लो, स्केल के मतलब यहाँ पे कंपास की निब को रख के, पेंसिल को यहाँ रख के इसको ओपन कर लिया। अब यहाँ जो भी आर्क बनेगा वो सबकी लेंथ कितनी होगी, ओ सी के बराबर, यानी रूट थ्री के बराबर होगी। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ मैंने इतनी लेंथ का वो बनाया, और यहाँ से क्या कर रहा हूँ, फिर मैं कंपास की हेल्प से आर्क बना दूंगा। तो जितना आर्क ये है, मान लो कि ये आर्क यहाँ पे किस पे कट करके जा रहा है, डी वाले पॉइंट पे कट करके जा रहा है, तो जो ओ सी होगा उतना का उतना लेंथ किसकी होगी, ओ डी की होगी। क्योंकि आर्क क्या करता है, आर्क के कोई भी बिंदु को उठा लो, वो उसके सेंटर से, यहाँ पे ये सेंटर का काम कर रहे हैं, वो उसके सेंटर से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ ये होगी। तो हम बोल सकते हैं ओ सी बराबर ओ डी होगा, ओ सी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं कितना, रूट थ्री था, तो ओ डी भी कितना होगा, रूट थ्री होगा। मतलब ये जो पॉइंट आया वो ही एक्चुअल में कितना है, रूट थ्री है। आई होप आप लोगों को ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जैसे रूट फोर बनाना है तो आप खुद बना के देखना, सेम वन लेंथ का यहाँ से लोगे तो ये क्या बनेगा आगे आगे, जैसे यहाँ पे मैं बना देता हूँ इसकी लेंथ को, वन लेंथ का फिर से यहाँ ले लिया, फिर ये अगला वाला पार्ट बनेगा, जैसे इसको नाम दे देते हैं ई, तो ये बनेगा रूट फोर, और रूट फोर का मतलब कितना होता है, टू। तो आप जब इतनी लेंथ का, ओई लेंथ का जब क्या करोगे आर्क बनाओगे, ये एग्जैक्ट कहाँ से गुजरेगा, टू से गुजरेगा। मतलब ये जो मेथड हम फॉलो कर रहे हैं ये बिल्कुल करेक्ट मेथड है, आप खुद करके देखना रूट फोर का।
अब यहां हो रहा क्या है ये भी मैं समझा देता हूं। देखो यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल, फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे बनता जाएगा बनता जाएगा। तो ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल्स का जैसा एक पूरा सर्कल के शेप में आ जाएगा। एक्चुअल में एग्जैक्ट सर्कल नहीं बनेगा, ये क्या होगा कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा ऐसा। तो इस शेप को जो कि राइट एंगल ट्रायंगल्स की हेल्प से बनी हुई है, देखो राइट एंगल ट्रायंगल्स की हेल्प से बनी हुई है ऐसी शेप, तो ऐसी शेप को बोला जाता है स्पाइरल ऑफ, इसको बोल सकते हैं हम, इसको क्या नाम बोलेंगे, हाँ एक ये डच वर्ड है थियोडोरस, स्पाइरल ऑफ थियोडोरस, ठीक है यू है यहाँ पे। तो इसका वो बोला जाता है, या आप लोग बोल सकते हो डायरेक्ट स्क्वायर रूट स्पाइरल, क्या बोला जाता है स्क्वायर रूट स्पाइरल बोला जाता है इसको, स्पाइरल इस टाइप के शेप को क्या बोला जाता है स्पाइरल बोला जाता है, इसको स्पाइरल ऑफ थियोडोरस बोला जाता है या फिर स्क्वायर रूट स्पाइरल बोला जाता है। तो ये क्या हो गया हमारे को, रूट थ्री को हमने कर दिया, रूट फोर को भी कर सकते हो, रूट फाइव को भी ऐसे कर सकते हो, लेकिन रूट फाइव को ऐसे करोगे तो देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, पहले रूट टू के लिए करना पड़ेगा, फिर रूट थ्री के लिए, फिर रूट फोर के लिए, फिर रूट फाइव के लिए, तो ये लेंथी मेथड हो गया। हम कोई और शॉर्ट तरीका हो सकता है क्या वो रूट फाइव को करने का, तो देखो ये देखते हैं हम यहाँ पे। तो देखो मैं एक काम करता हूँ इस बार, पहले बात तो रूट फाइव की वैल्यू क्या होगी, टू से तो बड़ी होगी, क्यों, क्योंकि रूट फोर टू होता है, तो रूट फाइव तो टू पॉइंट समथिंग कुछ होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ कितना है, जीरो है, यहाँ वन है, यहाँ टू है, इसको मैं ओ नाम दे देता हूँ। इस बार मैं एक काम करता हूँ ओ ए लेंथ ले लेता हूँ, ओ ए लेंथ कितनी होगी टू यूनिट्स, ठीक है टू यूनिट्स, यूनिट सेंटीमीटर वगैरह कुछ भी हो सकती है। अब हम क्या कर रहे हैं, ए के ऊपर वन यूनिट का क्या बनाएंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वन यूनिट लेंथ का। कैसे करते हैं, पहले आप लोग एक परपेंडिकुलर बना लो, फिर वन यूनिट लेंथ के बराबर आर्क को एक क्या करो, इसको सेंटर मान के एक आर्क बना दो। मैं यहाँ पे केवल उतना सा बना रहा हूँ जितना हमारे को यूज करना है। तो ये कितना है, वन यूनिट है। अब इसको नाम दे देते हैं कुछ सी, ठीक है बी नाम दे देते हैं। अब ध्यान से समझना, हमें रूट फाइव चाहिए, क्या रूट फाइव बन रहा है क्या। तो देखो ओ को किससे ज्वाइन कर लेता हूँ मैं, बी से, ओ को बी से ज्वाइन करने के बाद में हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ ए बी, इसमें बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, यहाँ का थ्री होगा ये भी ध्यान रखना, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, 90 के ऑपोजिट साइड का स्क्वायर यानी ओबी का स्क्वायर, बाकी की दोनों साइड यानी ओए इसका स्क्वायर प्लस एबी इसके स्क्वायर के बराबर होगा। अब ओए कितना है टू यूनिट्स यानी टू का स्क्वायर, प्लस एबी कितना है वन यूनिट यानी वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर प्लस वन कितना हो गया फाइव, ओबी निकालना है स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा। मैं ये पहले भी बता चुका हूँ कि अभी केवल समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, ऐसा एग्जैक्ट नहीं होगा। होगा क्या कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, एक तरफ स्क्वायर से रूट हट जाएगा और एक तरफ प्लस माइनस रूट फाइव आएगा, और प्लस माइनस रूट फाइव आएगा तो उसमें से माइनस को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि ये एक लेंथ है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो देखो अब जो ओ बी आया है वो कितना आया, रूट फाइव आया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, ओ बी के बराबर कंपास को ओपन करना है, ओ को सेंटर मानना है और एक आर्क ड्रॉ कर देना है। जैसे ही आर्क ड्रॉ करोगे तो ये आर्क क्या होगा, ऐसे कहीं यहाँ से जाएगा, तो यहाँ जो जिस पॉइंट से पास हो रहा है उसको क्या नाम दे दिया, सी नाम दे दिया। तो यहाँ पे जितना ओ बी होगा उतना का उतना क्या होगा, ओ सी। तो ओ बी रूट फाइव है तो ओ सी भी कितना होगा, रूट फाइव, यानी कि ये वाला जो पॉइंट आएगा वो कितना आएगा, रूट फाइव आएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब मुझे आप लोग कॉमेंट करके बताना कि रूट टेन के लिए हम क्या लें, इस तरीके से करें या फिर हम लोग इसके लिए कुछ कर सकते हैं, तो आप लोग ये कमेंट सेक्शन में बताना। इसके साथ ही हमारा इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये वाला टॉपिक फिनिश हो गया। अब हमारा जो टॉपिक चलेगा वो है रियल नंबर्स और उसकी प्रॉपर्टीज को हम पढ़ने वाले हैं, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो है रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर्स पढ़े थे जो कि मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाए थे, मैं एक बार उनको वापस से रिवाइज करवा रहा हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स, वन टू थ्री फोर फाइव, ये नेचुरल नंबर्स थे। फिर हमने जीरो को इंक्लूड कर लिया तो फिर वो बन गए थे हमारे होल नंबर्स, यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आ गए। जब मैं होल नंबर बोल रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली नेचुरल नंबर उसमें इंक्लूड हो गया। फिर हमने पढ़ा इंटीजर्स,
जिसको आई या जेड बोला जाता है, जिसमें नेगेटिव को भी इंक्लूड कर लिया, तो ये सारे के सारे होल नंबर यहाँ आते हैं। फिर हमने पढ़ा क्यू, क्यू यानी रैशनल नंबर्स। फिर सारे के सारे इंटीजर्स, अब देखो ये वाले यहाँ आ रहे हैं, ये वाला यहाँ आ रहा है और ये वाला भी यहाँ आएगा, और सारे के सारे नंबर्स यानी कि ये भी यहाँ आएंगे, ये भी यहाँ आएंगे और ये भी यहाँ आएंगे, मतलब हमने पढ़ा था क्यू, क्यू यानी रैशनल नंबर्स। उसके बाद में हमने एक अलग से पढ़ा था इरेशनल नंबर्स, जो कि रैशनल नहीं होते, वो बाकी इरेशनल थे। यानी कि अब हमारे पास दो टाइप के मेजर नंबर्स है, एक रैशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। रैशनल नंबर जब मैं बोल रहा हूँ तो अपने आप में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर को इंक्लूड कर चुका हूँ। ध्यान रखना, जब मैं बार बार जब भी रैशनल नंबर बोलूंगा तो अपने आप समझ में आ जाना चाहिए कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स भी इसमें इंक्लूड है, तो ये बोलने की जरूरत नहीं है। अब जब रियल रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों को कंबाइंड कर दिया जाता है, दोनों का क्या है, यूनियन कर दिया हमने, यूनियन का मतलब है दोनों को एक साथ लिख दो, तो वो जो कर, इसके लिए एक साइन यूज किया जाता है इस टाइप का यू, ठीक है। तो क्यू सी, क्यू सी यानी इरेशनल नंबर्स एंड यूनियन, यूनियन का मतलब है कंबाइंड करके लिख दो। जैसे 1 2 3 है, एक है, एक पार्ट 1 2 3 है, एक है 2 मतलब 4 5 है, तो दोनों को कंबाइंड करके लिखोगे तो यूनियन करोगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5। आई होप आप लोगों को इसका मतलब समझ में आ गया हो। इन दोनों का जो यूनियन होगा यानी कि कंबाइंड करके लिखोगे, ये यूनियन ही क्या कहलाता है, हमारा रियल नंबर यानी आर कहलाता है। तो रियल नंबर के सेट को किसे डिनोट किया जाता है, कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। अब रियल नंबर भी दो हो सकते हैं भाई, आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर हो सकते हैं, आर माइनस नेगेटिव रियल नंबर हो सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मैं जितने भी नंबर्स पढ़े ना, वो सब अभी तक रियल नंबर्स ही पढ़े हैं। जैसे कहीं पे √2 है तो वो भी रियल है, क्यों, क्योंकि क्या है यहाँ पे, इरेशनल है। 2 हो गया, -3 हो गया, 1/2 हो गया, 1.2 हो गया, 1.5 बार हो गया, 0 हो गया, 1.10, 1001, 000, पाई हो गया, डैश 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 यहाँ पे पाई हो गया। जितने भी नंबर्स अभी तक हमने पढ़े हैं वो सारे नंबर्स क्या हैं, या तो रैशनल थे या इरेशनल थे, सबको कंबाइंड कर दिया तो वो क्या बन जाएंगे, रियल नंबर्स बन जाएंगे। और रियल नंबर्स के सभी के कलेक्शन को, सेट को क्या बोला जाता है, कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब ये रियल बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा तो होगा कि इमेजनरी वर्ड भी एग्जिस्ट करता होगा। तो इमेजनरी नंबर्स क्या होते हैं, उसको आप लोग केवल इतना सा ध्यान रखो कि अगर कभी भी जो रेडिकल साइन है यानी कि स्क्वायर है या फिर क्यूब रूट है, उसके डिनोमिनेटर मतलब उसके अंदर, जिसको हम क्या बोला जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, रेडिकेंड बोलते हैं। तो रेडिकेंड अगर क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, मतलब स्क्वायर रूट में नेगेटिव आ जाए या फिर रूट में क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो वो जो नंबर होगा वो क्या कहलाता है, इमेजनरी नंबर कहलाता है। यहाँ पे एक चीज़ और याद रख सकते हो, रखना चाहो तो, कि √-1 इसको बोला जाता है, ये साइन यूज किया जाता है आई, इसको बोला जाता है आयोटा। पढ़ने का तरीका क्या है, आयोटा। ये आप लोग सारी चीज़ें आगे जाके 11th क्लास में पढ़ने वाले हो, अभी केवल आप लोगों को बस इतना सा ध्यान रखना है कि स्क्वायर रूट के अंदर कभी नेगेटिव आता है तो उस नंबर्स को हम इमेजनरी नंबर्स बोलते हैं। हमारे सिलेबस में केवल कौन से नंबर्स है, रियल नंबर्स। ये रियल नंबर ध्यान से समझ लेना, यही बेसिक इनका, क्योंकि जब आप 10th में जाओगे तो 10th क्लास का पहला चैप्टर का नाम ही रियल नंबर है, तो वहाँ पे आप लोगों को चीज़ें आसानी से समझ में आने लग जाएगी, अगर आप लोगों को बेसिक मीनिंग इसका पता होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं एक बार वापस से समराइज करता हूँ कि जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर, जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं, दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, कंबाइंड कर दिया जाएगा, यूनियन कर दिया जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। रियल नंबर के सेट को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। जैसे हमने इंटीजर्स के लिए नंबर लाइन पढ़ी थी, होल नंबर्स के लिए नंबर लाइन पढ़ी थी, फिर हमने इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया था, वैसे रियल नंबर्स के लिए भी एक नंबर लाइन होती है, तो जिसमें क्या होगा, सभी नंबर्स आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे देख, मैं यहाँ पे बनाता हूँ 0 1 2 -1 -2 अप टू इन्फिनिटी जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कहीं बनाना है तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, फिर -1 और -2 के बीच में -3/2 हो गया। फिर यहाँ कहीं मान लो कि यहाँ हो जाएगा 0.2, पॉइंट वाला भी रिप्रेजेंट कर दिया हमने। फिर यहाँ पे 1 और 5 से जस्ट पहले कहीं पे यहाँ पे √2 आ जाएगा। फिर 7 के आसपास यहाँ पे कहीं √3 आ जाएगा। पाई, पाई कितना होता है, 3 point something है, तो यहाँ कहीं 3 होगा और 3.1 यानी कि यहाँ कहीं क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। मतलब जितने भी नंबर्स हैं हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे 0 को क्या बोला जाता है, ओरिजिन बोला जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को रियल नंबर लाइन क्या होती है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। हम लोग कर चुके हैं तो भाई नंबर्स को रिप्रेजेंट करना हम सीख चुके हैं, रैशनल नंबर्स को कैसे करते हैं, रैशनल को कैसे करते हैं, वही चीज़ अब क्या होगा भाई, रैशनल और इरेशनल को ही तो हम क्या बोल रहे हैं, रियल नंबर बोल रहे हैं। तो यानी दोनों को हम अलग अलग करना सीख चुके हैं,
तो किसी भी नंबर को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे हम एक टॉपिक और पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर क्या होगा, जो बड़े नंबर्स होते हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो हम यहाँ देखेंगे। तो देखो, मतलब जैसे कि पॉइंट के आगे तीन डिजिट्स आ गए डेसिमल प्लेसेस तक, 0.324 आ गया, तो 324 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा भाई। 0.3 को तो कर देंगे यहाँ पे, तीसरे नंबर का जो पॉइंट आएगा 0 और 1 के बीच में 10 डॉट, वो हमने वो मतलब 10 मार्क बना दिए, उसमें से थर्ड मार्क होगा वो 0.3 हो जाएगा, 0.2 यानी सेकंड मार्क हो जाएगा। लेकिन अगर यही होता जैसे कि 0.345 ऐसा होता तो इसको कैसे करते हैं, ये हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखने वाले हैं। तो देखो, अगला टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट स्लाइड नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम उसको, कवर करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। ये बेसिक प्रॉपर्टी है, ये कोई भी याद रख सकता है। सिंपल प्रॉपर्टी क्या है, देखो, इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर, ए और बी दो रियल नंबर है, वो तीन केस होंगे, या तो वो दोनों बराबर हो सकते हैं, या ए बड़ा हो सकता है बी छोटा हो सकता है, या बी बड़ा हो सकता है ए छोटा हो सकता है। ये तीनों तो पॉसिबिलिटीज है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ कि जैसे ए बराबर टू है, बी बराबर भी टू ले लिया, तो इस वाले केस में ए बराबर क्या बना, बी। अब मान लो कि ए बराबर मैंने थ्री ले लिया, बी बराबर टू ले लिया, तो ए बड़ा है बी से, और मैंने ए बराबर ले लिया टू और बी बराबर ले लिया थ्री, तो ए क्या है, छोटा है किससे, बी से। मतलब कोई भी दो नंबर्स हमारे को दिए हुए हैं उसका तीन पॉसिबिलिटीज है, या तो दोनों बराबर हो सकते हैं, या कोई एक बड़ा हो सकता है, या कोई एक छोटा हो सकता है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। दूसरा क्या है, अब ऐसा पूछे कोई कि दो हमारे को क्या दे रखे हैं, रियल नंबर्स दे रखे हैं, अनइक्वल है दोनों, बराबर नहीं होने चाहिए, तो उन दोनों के बीच में कितने रियल नंबर्स हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि दो इरेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होते हैं, दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। सिमिलरली दो रियल नंबर्स जो कि अनइक्वल है, बराबर नहीं होने चाहिए, उनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, ये भी याद रखना है। तो देखो, बिटवीन टू अनइक्वल रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट रियल नंबर्स विच आर ईदर रैशनल और इरेशनल, वो या तो इरेशनल हो सकते हैं, रैशनल हो सकते हैं। तो जैसे कोई पूछे कि बताओ कि वन और टू दो नंबर्स दे रखे हैं, या वन और 1.2 दे दिए, तो बताओ इसके बीच में इरेशनल नंबर्स कितने हैं, क्यों कितने हैं, तो वो भी कितने हैं, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट। और क्यू सी यानी इरेशनल नंबर कितने हैं, वो भी कितने हैं, इनफाइनाइट है। कोई से भी दो रियल नंबर दे दे, डिफरेंट रियल नंबर्स, तो उनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होंगे, या हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे। आई होप आप लोगों को ये बात भी समझ में आ गई होगी। फिर तीसरा और फोर्थ नोट क्या है, देखो प्रॉपर्टी क्या है, द सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रियल नंबर्स इज रियल। मतलब दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, एड कर दो, सबट्रैक्ट कर दो, जो रिजल्ट निकल के आएगा वो भी क्या आएगा, रियल निकल के आएगा। जैसे 2+2 5, 2 भी रियल था, 3 भी रियल था, 5 भी क्या है, रियल है। 2 × 3 6 आएगा, 2 भी रियल, 3 भी रियल, 6 भी रियल। 2 − 3 − 1 आएगा, 2 भी रियल, 3 भी रियल, और −1 भी क्या है, रियल है। तो ये क्या होगा, सम डिफरेंस और प्रोडक्ट हमेशा रियल होता है, डिवीजन भी रियल होता है। बस ध्यान रखना है जिससे डिवाइड किया जा रहा है वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। ये हम ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं कि किसी भी नंबर को, जैसे ए कोई रियल नंबर है हमारे पास, इसको जीरो से डिवाइड नहीं करना हमारे को, ठीक है, जीरो से डिवाइड करना एक लिमिटेशन है अभी तक के लिए। 11th में जाके लिमिटेशन भी आप लोगों की दूर हो जाएगी, वहाँ लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करके हम डिवाइड कर सकेंगे इसको। तो अभी के लिए बस ध्यान रखना कि नॉन जीरो नंबर, ये अगर क्या हो, नॉन जीरो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लो बी है, तो बी अगर नॉन जीरो है तो इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो भी क्या आएगा, रियल नंबर ही निकल के आएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। वीडियो को पॉज कीजिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है एग्जिस्टेंस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए रियल नंबर। किसी भी रियल नंबर के स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, वो कैसे फाइंड किया जाएगा, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि इस टाइप के नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आप लोगों की कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप कॉमेंट करके बता सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले किसी लेक्चर में आप लोगों के सभी डाउट्स को दूर कर दिया जाए, या अलग से कोई लेक्चर आप लोगों के लिए बनाना पड़ा तो वे भी हम आप लोगों के लिए अलग से एक लेक्चर बना देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।